हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फाइव रिवीजन फ्रॉम चैप्टर फाइव। बच्चों, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर थ्री का रिवीजन भेजा था और हमने चैप्टर फोर को स्किप कर दिया है, उसे हम बाद में पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इस लेसन में हमने सब्सटेंस के सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, यानी मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में बहुत सारे चीज़ें, यानी एक या दो तीन चीज़ों से अधिक चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। और इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना था कि व्हाट आर द सेपरेशन मेथड्स, यानी मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कई मेथड्स का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और बच्चों मैंने पहले ही बताया कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को ही तैयार करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर लोडिंग द क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन मडी वाटर। यानी मडी वाटर के अंदर हम ऐसा कौन सा सब्सटेंस यूज़ कर लोडिंग के मेथड से उसको अलग कर सकते हैं, दैट इज़ एलम, यानी कि फिटकरी। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यानी किसी भी मिक्सचर में जो प्योर सब्सटेंस की मात्रा होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क, थ्रेसिंग। यानी थ्रेसिंग की सहायता से हम ग्रेन्स को स्टार्क से अलग कर सकते हैं। विच मेथड इज़ यूजली यूज टू सेपरेट स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। नेम द मेथड यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम वीट, विनोइंग। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विथ आर विच आर डिफरेंट साइज, सीविंग। नेम द डिवाइस यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड स्मॉल आयरन नेल्स, मैग्नेट। वाट टाइप ऑफ मैग्नेट इज फिल्ड ऑन द क्रेन टू सेपरेट द स्क्रैप आयरन, इलेक्ट्रो मैग्नेट। नेम द मेथड इज यूज टू कैश्यू नट फैक्ट्रीज टू सेपरेट कैश्यू नट्स ऑफ डिफरेंट साइज, सीविंग। देन नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स भी है, यू कैन सी। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज टू रिमूव स्मॉल स्टोन, गलत। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, रॉन्ग। ग्रेन हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, रॉन्ग। Bran is separated from wheat flour by hand picking, no. Cream is separated from milk by sieving, no. A mixture milk can mixture and water can be separated by filtration, no. Separation of sugar from tea can be done by filtration. Separation of sugar from tea. Common salt. बच्चों ये सारे ही true और false, गलत है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सेपरेट फ्रॉम राइस पल्सेस, यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। द नेम द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ एलम, बाय लोडिंग। नेम वन मेथड सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट, नेम फोर मटीरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज फिल्टर इन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, फिल्टर पेपर का, क्लोथ्स का, स्ट्रेनर का, इन सारी चीज़ों से हम पानी को छान सकते हैं। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू रिकवर द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इवापोरेशन। नेम द प्रोसेस वुड वी सेपरेट शुगर डिसॉल्व इन वाटर, डिस्टिलेशन। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, डिस्टिलेशन। व्हाट मेथड विल यू यूज टू सेपरेट द कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, इवापोरेशन। यू आर गिवन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हाट मेथड विल यू यूज, इवापोरेशन एंड टू रिकवर सॉल्ट एज वेल एज वाटर, डिस्टिलेशन। ओके बच्चों, द नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉल्यूशन विच हैज नो मोर सॉल्यूट। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा
17, क्वेश्चन नंबर 17 इज नॉट देयर. बच्चों 17 में इवेपोरेशन भी हो सकता है, आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा. नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉल्यूशन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एट अ टेम्परेचर. बच्चों इसका मैं लिखना भूल गई हूँ, इसका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, अब हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. इंसेक्ट्स कैन बी सेपरेट फ्रॉम द व्हीट बाई हैंड पिकिंग. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम अ पैडी टॉस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, इवापोरेशन. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड एंड वेपर एंड कूलिंग द वेपर गेट बैक लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. क्योंकि बच्चों डिस्टिलेशन के प्रोसेस में दोनों मेथड काम आते हैं, इवापोरेशन भी और कंडेंसेशन भी. When milk is cooled after boiling, it is poured in a piece of cloth and cream is left behind. This process is called filtration. Impurities settle at the bottom with the muddy water kept, is called decantation. तो बच्चों अब हम जानेंगे multiple choice questions. और जिसने भी ये book exercise complete नहीं करा होगा वो आप इसे complete कर लीजिएगा. okay बच्चों, a mixture of tea leaves of and iron flings can be separated by magnet. A solid is dissolved in water. Which one of the following method can be used to separate is evaporation. Which one of the following method can be used to separate copper sulfate solution into copper sulfate and water? Distillation. The cashew nut factories use different size of separate by the process, cashew nut of different size are separated by the process of sieving. Which of the following mixture cannot be separated by using the water or solvent followed by a filtration or evaporation? Sand and sulfur. Next, common salt is recovered from seawater by the process of evaporation. When rice and pulses are washed before cooking, the water is separated from by decantation. The solubility of substance in water, this substance mostly like to be sugar. A water temperature treatment plant which supplies drinking water, a water treatment plant supply drinking water, the river water is filtered by using sand filters. Tiny piece of stones are usually separated from the pulses by hand picking. Then next, the process of distillation can be used to separate a certain type of mixture into their constituents. These processes consist of evaporation followed by condensation. One of the following mixture can be separated by the three steps: stirring with water, filtration and evaporation, applied one after the other. This mixture is mostly like a sugar and salt. Tincture of iodine is a weak solution of iodine in alcohol. Iodine can be recovered from tincture of iodine by the process of evaporation. Which one of the following is not the method of separating? Sewing. So children, I'm going to close this video. बच्चों आप जिसने भी ये book exercise नहीं पूरा किया है आप उसे पूरा कर लोगे. और मैं बार बार बच्चों बता रही हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, और इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. ओके बच्चों, और चैप्टर 4 जो है वो स्किप हो गया है बुक में से, हमने स्किप किया है, और नेक्स्ट टर्म में हम उसे ऐड कर लेंगे. ओके बच्चों, लिसन इट केयरफुली.